सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु मॉनिटर। तो आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम अकाउंट मोनेटाइज कैसे करें। जी हाँ गाइस, इंस्टाग्राम अकाउंट को मोनेटाइज करने के बाद आप लोग इंस्टाग्राम पर रील्स भी मोनेटाइज हो जाता है, तो वो कैसे मोनेटाइज होता है या इंस्टाग्राम अकाउंट को पहले कैसे मोनेटाइज करें, उसके लिए उससे मोनेटाइज करने से पहले कुछ क्राइटेरिया होता है जो आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए इंस्टाग्राम पे। तो वो क्राइटेरिया क्या है और मैं आप लोग को अकाउंट मोनेटाइज करके भी और वो क्राइटेरिया कंप्लीट करके मैं सारा कुछ वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दिख रहा है उसको दबा दीजिएगा। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने फोन के इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना होगा। तो चलिए अपने फोन के इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोग को प्रोफाइल पिक्चर पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे चलिए प्रोफाइल पिक्चर पे सिंपली क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है थ्री लाइन्स, यहाँ इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, आप लोग को स्क्रॉल डाउन करके सिंपली नीचे चले आना है। और अकाउंट को मोनेटाइज करने से पहले आप लोग को कुछ क्राइटेरिया ध्यान में रखना पड़ता है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ वो कौन से क्राइटेरिया जिसको आप लोग को देखना रहता है। तो यहाँ पे प्राइवेसी सेंटर के नीचे यहाँ पे अकाउंट स्टेटस, जी हाँ गाइस, अकाउंट स्टेटस पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद ये देखिए, आप लोग को रिमूव कंटेंट में यहाँ पे ग्रीन टिक होना चाहिए, कंटेंट लोअर्ड इन फीड इसमें भी ग्रीन टिक, और यहाँ पे नीचे फीचर यू कांट यूज इसमें भी ग्रीन टिक, यानी तीनों में ग्रीन टिक होना चाहिए। और आप लोग को कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन का ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए स्ट्राइक, तो वो आप लोग को कैंसिल जो रहता है वो आप लोग को दिख जाएगा जब आप लोग का मोनेटाइज नहीं रहता है। तो यहाँ पे रिमूव कंटेंट का कम्युनिटी गाइडलाइन का यहाँ पे कैंसिल आता है, उसको आप लोग को कैसे कंप्लीट करना है मैं आप लोग को बताऊंगा लास्ट में। तो उसको कैसे कंप्लीट करना है उससे पहले मैं आप लोग को अकाउंट मोनेटाइज करके सारा प्रोसेस मैं आप लोग को बताता हूँ पहले। तो यहाँ पे कर लेना आप लोग को बैक, और बैक आने के बाद यहाँ पे आ रहा है अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स, जी हाँ, जिस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पे टूल्स के नीचे ब्रांडेड कंटेंट, जी हाँ, ब्रांडेड कंटेंट पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है और इसको सबसे पहले एलिजिबल कर लेना है। क्यों एलिजिबल करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ये इसलिए एलिजिबल करता है क्योंकि आप लोग अगर कोई भी आप लोग रील्स बनाते हो और आप लोग को कोई पेड प्रमोशन मिलता है, उसमें ये आप लोग को ब्रांडेड कंटेंट या पेड पार्टनरशिप आप लोग को लेवल लगाना रहता है, उसके लिए ये एलिजिबल होना सबसे आप लोग को जरूरी रहता है। तो ये आप लोग एलिजिबल कर लीजिएगा, और नहीं एलिजिबल कर पाया तो मैं आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में एलिजिबल करना मैंने बताया है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाके एलिजिबल कर लीजिएगा इसको। तो ये एलिजिबल करने के बाद यहाँ पे आप लोग आ रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, जी हाँ, जिस पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है क्योंकि आप लोग को अकाउंट मोनेटाइज करना है और आप लोग का सारा इनसाइट और जितने भी फॉलोअर इंक्रीज रहते हैं या फिर पेमेंट या फिर सारा कुछ इससे ही आप लोग चेक करोगे, तो इसको आप लोग को प्रोफेशनल बनाना होगा पहले। तो यहाँ पे कैसे करना है, तो यहाँ पे सबको कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आके खुल के आ रहे हैं। तो आप लोग कौन से कैटेगरी से वीडियो बनाना चाहते हो या रील्स बनाना चाहते हो, किस भी कैटेगरी से आप लोग जिस कैटेगरी से बनाते हो, या एडिटर हो या एजुकेशनल डिजिटल क्रिएटर, आप लोग जो भी हो, जैसे मुझे वीडियो क्रिएटर पे है, तो यहाँ पे वीडियो क्रिएटर पे क्लिक करके और यहाँ पे डन कर देना है। और डन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को एड सेंटर पे सब लोग के सामने खुल के आ जाएगा। तो ये देखिए आ रहा है क्रिएटर और यहाँ पे बिजनेस, तो आप लोग को बिजनेस अकाउंट आप लोग को यूज करना है या फिर क्रिएटर, तो आप लोग अगर रील्स बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिएटर का ऑप्शन आ रहा है और उसके बाद आप लोग यहाँ पे कर देना होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसको नोट नाउ करके आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे आ रहा है सेटअप प्रोफेशनल अकाउंट, उस पर आप लोग को सारा जो रहता है स्टेप उसको कंप्लीट करना रहता है। तो गेट इंस्पायर्ड पे आप लोग सिंपली क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ये आता है कि आप लोग किससे इंस्पायर्ड हो, तो यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा ऐसा करके फॉलोअर मैं आ जाएगा, तो इसको आप लोग यहाँ पे टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, जी हाँ, इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना, तो ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आ रहा है ग्रो योर ऑडियंस, जी हाँ, इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है किसी चीज़ को आप लोग को इनवाइट कर देना होगा, जैसे इंस्टाग्राम या SMS या सेंड फ्रेंड बाय, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है नीचे वाले पे सेंड इन फ्रेंड बाय पे, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ग्रीन टिक पे आप लोग को फिर से क्लिक कर देना है ब्लू टिक पे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आ रहा है दो, तो यहाँ पे शोकेस योर ब्रांड, जी हाँ, इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को कोई सा भी एक कंप्लीट कर देना है, फोटो अपलोड करना रहता है वो ब्रांड का कंप्लीट, तो ये आप खुद ब खुद हो जाएगा वो आप लोग अगर रील्स अपलोड करने के बाद, तो ये आप लोग का खुद ब खुद हो जाएगा। और ये भी लर्न अबाउट हाउ एड्स वर्क, मतलब वो जो आप लोग का एड चलेगा उस पर आप लोग को कैसे काम करना है वो आप लोग को सिखाया जाएगा इस पर, तो वो आप लोग चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कट कर देना है, और कट करने के बाद मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग का वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को रिफ्रेश कर लेना है, रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड आप लोग का खुल जाएगा, तो इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप लोग का अकाउंट का रीच बताएगा कितना है, ये फॉलोअर इंगेज और टोटल फॉलोअर ऐसे करके आ जाएगा। और यहाँ पे सारा अचीव इनका इंस्पिरेशन, मतलब किस टाइप का आपका वीडियो बनाना है जिससे आप लोग का वायरल होगा, तो ये सबसे आप लोग को ध्यान में रख लेना होगा। और यहाँ पे सारा मोनेटाइजेशन एक्टिविटी, जी हाँ, देखिए
मोनेटाइजेशन एक्टिविटी पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो ये मोनेटाइजेशन एंड शॉप, तो ये आप लोग का मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये मोनेटाइज हुआ है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आप लोग को फिर से 3 लाइन पे क्लिक कर लेना होगा और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने हैं और यहाँ पे क्रिएटेड टूल्स एंड कंट्रोल्स, जी हाँ इस पर आप लोग क्लिक करके और यहाँ पे मोनेटाइजेशन स्टेटस, जी हाँ इस पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ऊपर में आ रहा है यू आर एबल टू मोनेटाइज, इसका मतलब आप लोग का इंस्टाग्राम हो चुका है मोनेटाइज, तो ये आप लोग का ये चेक कर लीजिएगा। और आप लोग को ब्रांडेड कंटेंट एलिजिबल नहीं होने का कारण मैं आप लोग को पहले बताया था कि वो क्यों नहीं मतलब कट का निशान क्यों आता है, तो ये देखिए पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में ऐसे आप लोग को कट का ऑप्शन आएगा, उसको कैसे एलिजिबल करना है, तो आप लोग किसी का भी एक दूसरे आईडी ले लेना है और उसको आप लोग को कोलैब कर लेना है। जैसे ही आप किसी चीज़ पे पोस्ट पे कोलैब करोगे वो आप लोग का पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो रहता है कैंसिल का वो आप लोग का हट जाएगा, वो हटने के बाद आप लोग का ब्रांडेड कंटेंट एलिजिबल हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग का टोटली मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का रील्स भी साथ साथ मोनेटाइज हो जाएगा। और रील्स मोनेटाइज होने के बाद आप लोग का ये देख लीजिए आप लोग का ये सेटिंग आप लोग को ध्यान में रख लेना शेयरिंग एंड रिमिक्सेस का, तो ये देख लीजिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ मैं अपना सेटिंग सारा, तो ऐसे ही आप लोग को सेटिंग कर लेना है शेयरिंग एंड रिमिक्सेस में जाके, जिससे आप लोग का रील्स पे व्यू भी बढ़ेगा और वो भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग मोनेटाइज कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी को या इंस्टाग्राम अकाउंट को। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दीजिएगा उसको दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।